एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम यहाँ पर बात करेंगे जो वेस्ट इंडीज़ वुमेंस और इंग्लैंड वुमेंस के बीच में आज से यहाँ पर T20 सीरीज स्टार्ट होगी, जिसका जो पहला मैच है वो आज अर्ली मॉर्निंग 3:30 बजे स्टार्ट होगा। तो इस मैच की मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी डिटेल में दूंगा। सबसे पहले भाइयों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल को जो नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि वहां पर आपको इस मैच की फाइनल टीम आफ्टर टॉस सबसे पहले मिल जाएगी, और दूसरी बात वहां पर आपको बैटिंग ऑर्डर और न्यू प्लेयर्स के स्टैट्स भी मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट में टॉप पर पिन किया हुआ मिल जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर मैच के बारे में, 3:30 बजे मैच स्टार्ट होगा। मैच खेला जाएगा सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में। ये जो विकेट है देखो, बॉलर्स को भी मदद करता है और बैटर्स को भी मदद करता है। एवरेज स्कोर यहाँ पर 130-150 के बीच में बन सकता है। पहले बात करते हैं इंग्लैंड वुमेंस की टीम की। तो इंग्लैंड वुमेंस की तरफ से ना यहाँ पर आपको डंकली और डेनियल व्याट ओपन करती नजर आएंगी। आपने देखा होगा वनडे में डंकली जो है जनरली आपको वन डाउन और ये आपको नंबर 6 पर दिखती है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों एज अ ओपनर खेलेंगी, ये बात आप ध्यान में रखना। सोफिया डंकली की बात करूँ तो हेड टू हेड में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 3 मैच में 38 रन है और रिसेंट फॉर्म इनका 26-61-5-49 है। तो T20 का इनका रिसेंट फॉर्म बढ़िया है। डेनी व्याट आएंगे यहाँ से हेड टू हेड में 16 मैच में 217 रन, 16 का एवरेज, 6 विकेट है, ठीक ठाक सा रिकॉर्ड है। रिसेंट फॉर्म 15-31-52-52-5 है। फिर आएंगे यहाँ से हैदर नाइट जो कि कम बैक कर रही है काफ़ी टाइम बाद। ये देखो बॉलिंग हाल फिलहाल में इन्होंने उतनी करवाई नहीं है, ठीक ठाक प्लेयर है, 27-1 विकेट है, 35-1 विकेट है, 34-0 विकेट है, 24 नॉट आउट है, ये इनका रिसेंट फॉर्म है। हेड टू हेड में 11 मैच में 190 रन 0 विकेट है। आएंगे यहाँ से नेथ सिवर जिन्होंने ODI में काफ़ी अच्छा किया है अभी, और हेड टू हेड में रिकॉर्ड भी तगड़ा है, 13 में 278 रन 10 विकेट है, कैप्टनसी की प्रबल दावेदार रहेंगी। रिसेंट फॉर्म 42-2 विकेट 19-0 विकेट 5 रन 2 विकेट 72 रन 1 विकेट है। एमी जोन्स आएंगे यहाँ पर हेड टू हेड में 8 मैच में 176 रन, सिर्फ 25 का एवरेज है। रिसेंट फॉर्म 13-9 बैटिंग 7-16-10 है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी यदि इंग्लैंड की टीम पहले बैटिंग करती है। मियाँ बाउशर है T20 करियर में 14 मैच में 117 रन है, रिसेंट फॉर्म 29-9-9 बैटिंग 34-9 बैटिंग है। यहाँ से अलाइसा डेविडसन रिचर्ड्स हैं T20 करियर में 5 मैच में 28 रन 0 विकेट है, रिसेंट फॉर्म 1 रन 3 विकेट 0 विकेट 2 रन 0 विकेट 4 रन 0 विकेट और 1 विकेट है। कैथरीन ब्रंट हैं यहाँ पर हेड टू हेड में 17 मैच में 121 रन 17 विकेट है, बढ़िया बॉलर है T20 की, रिसेंट फॉर्म 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 1 विकेट है। सोफी एक्लस्टन हेड टू हेड में 8 मैच में 11 विकेट है, रिसेंट फॉर्म भी बढ़िया है, 47 रन 0 विकेट 3 रन 2 विकेट 2 विकेट 15 रन 2 विकेट है। सारा ग्लेन आएंगे यहाँ पर हेड टू हेड में 6 मैच में 46 रन 9 विकेट है, रिसेंट फॉर्म 0 विकेट 0 विकेट 4 विकेट 0 विकेट 2 विकेट है। विकेट्स अगर निकालेंगे तो गुच्छे में निकालते हैं। इजी मोंग खेल सकती हैं, करियर में 8 मैच में 6 विकेट है, रिसेंट फॉर्म 9 रन 0 विकेट 24 रन 1 विकेट 3 रन 0 विकेट और 1 विकेट है। अभी के लिए मैं यहाँ पर इंग्लैंड के फेवर में टीम बनाऊंगा, मैं इंग्लैंड की तरफ से यहाँ पर पिक करूंगा सोफिया डंकली, डेनी व्याट और हैदर नाइट को। इनके अलावा मैं इनके 4 मेन बॉलर यानी कि नेथ सिवर को रखूंगा, नीचे से मैं कैथरीन ब्रंट, सोफिया एक्लस्टन और सारा ग्लेन को यहाँ पर रखूंगा। बेंच पर जो इनके प्लेयर हैं उनके स्टेट्स देख लो, चार्ली डीन है ODI में 22 मैच में 39 विकेट है, रिसेंट फॉर्म 18 रन 0 विकेट 6 रन 0 विकेट है। लॉरेन विनफील्ड है हेड टू हेड में 3 मैच में 54 रन है, रिसेंट फॉर्म 12-22-22-36-22 नॉट आउट है। लॉरेन बेल है 2 मैच खेले T20 में जिसमें 0 विकेट है, ODI में 5 मैच में 7 विकेट है, रिसेंट फॉर्म 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट है। फ्रिया डाविस है 21 मैच में 18 विकेट है, हेड टू हेड में 1 मैच में 1 विकेट है, रिसेंट फॉर्म 5 रन 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट है। स्टार्टिंग के ओवर डालेंगे इजी बॉन्ग, कैथरीन बर्ट, नेथ सिवर, डेथ के ओवर डालेंगे नेथ सिवर, सोफी एक्लस्टन, कैथरीन बर्ट, सारा ग्लेन। बात करेंगे दूसरी टीम यानी कि वेस्ट इंडीज़ वुमेंस की टीम की, तो यहाँ से हेली मैथ्यूज़ और आलिया एलन ओपन कर सकती हैं। हेली मैथ्यू की बात करूँ तो इनका जो रिकॉर्ड है ना T20 में इंग्लैंड के खिलाफ वो उतना खास है नहीं, 9 मैच में 60 रन 6 का एवरेज, सिर्फ 6 विकेट है। रिसेंट फॉर्म 6 रन 1 विकेट 19 रन 2 विकेट 46 रन 1 विकेट 2 रन 0 विकेट है। वेस्ट इंडीज़ के एक मेन प्लेयर है तो आप बिल्कुल रख सकते हो। आलिया एलन है, ये भी बैटिंग बॉलिंग दोनों चीज़ें कर सकती हैं। T20 करियर में 22 मैच में 140 रन 8 विकेट है, इंग्लैंड के खिलाफ 4 मैच में 33 रन 2 विकेट है, रिसेंट फॉर्म 49 रन 0 विकेट 13 रन 1 रन 0 विकेट 16 रन 0 विकेट और 6 नॉट आउट है। काइशोना नाइट है करियर में 54 मैच में 544 है, हेड टू हेड में 4 मैच में 47 रन है, रिसेंट फॉर्म उतना खास है नहीं, 4-42-16-6-8 है। यहाँ से रसादा विलियम्स है T20 करियर में 5 मैच में 36 रन है, रिसेंट फॉर्म 15-9 बैटिंग 1-16-4 है इनका, विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको मिल जाएंगी। सी हेनरी है करियर में 35 मिनट में 221 11 विकेट है और हेड टू हेड में 7 मिनट में 37 रन सिर्फ 1 विकेट है।
और रिसेंट फॉर्म 10 रन 3 विकेट 24 रन 0 विकेट 13 रन 0 विकेट है। सी नेशन आएंगे यहाँ पर हेड टू हेड में 6 मैच में 71 रन 1 विकेट है, रिसेंट फॉर्म 2 10 1 23 8 है। यहाँ से आएंगे एस गजनबी, हेड टू हेड में 2 मैच में 7 रन 0 विकेट है, करियर में 12 मैच में 65 रन सिर्फ 2 विकेट है, उतना खास मेरे को रिकॉर्ड लगा नहीं। रिसेंट फॉर्म 3 0 19 8 रन 0 विकेट 2 रन 1 विकेट है। सी एन फ्रेशर है, करियर में 4 मैच में 1 विकेट, हेड टू हेड में 1 मैच में डिड नॉट बैट, रिसेंट फॉर्म 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट है। नीचे चलेंगे एफी फ्लेचर है, इनके हेड टू हेड में 7 मैच में 7 विकेट है और इंपॉर्टेंट बन सकती है यदि वेस्ट इंडीज़ की टीम पहले बॉलिंग करे, रिसेंट फॉर्म 2 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट है। यहाँ से आएंगे कृष्णा राम हेरक, 12 मैच में 9 विकेट है, करियर में हेड टू हेड में 2 मैच में 1 विकेट है, रिसेंट फॉर्म 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट है। सकीरा सलेमन हेड टू हेड में 17 मैच में 12 विकेट, रिसेंट फॉर्म 1 विकेट 1 विकेट 4 नॉट आउट है। तो अभी के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से पिक करूँगा हैली मैथ्यू, आलिया एलन, यहाँ से रसादा विलियम्स और सी हेनरी को। अब आप चाहो तो यहाँ पर आप एफी फ्लेचर या फिर सकीरा सलेमन में से किसी को पिक कर सकते हो। बेंच में जो प्लेयर हैं उनके भी स्टेट्स देख लो, तो यहाँ पर सेमेन कैंपेबल है, हेड टू हेड में 20 मैच में 129 विकेट है, रिसेंट फॉर्म 9 बैटिंग 1 13 9 बैटिंग 16 है। काइशिया नाइट है, हेड टू हेड में 8 मैच में 77 रन है, रिसेंट फॉर्म 21 22 9 बैटिंग 9 बैटिंग 2 है। यहाँ से स्नेहता ग्रीमंड है, 2 मैच में 3 रन है, हेड टू हेड में रिसेंट फॉर्म 0 विकेट 2 विकेट 10 रन 0 विकेट 2 रन 1 विकेट है। काइसिया स्लूज 1 विकेट 1 विकेट है। स्टार्टिंग के ओवर डालेंगे सकीरा सलेमन, सी हेनरी, ए एलिन। डेथ के ओवर डालेंगे एच मैथ्यू, एफी फ्लेशर, सी एन फ्रेशर। एनालिसिस वाला जो पार्ट है इस मैच का वो हो चुका है कंप्लीट, चलेंगे डेमो टीम की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चलते हैं डेमो टीम की तरफ। बात करूँ यहाँ पर डेमो टीम की, तो डेमो टीम में मैंने अभी के लिए विकेट कीपिंग सेक्शन से रखा है रशादा विलियम्स को, बैटिंग सेक्शन से मैंने सोफिया डंकली, डेनी व्याट, हैदर नाइट को रखा है, ऑलराउंडर सेक्शन से सी हेनरी, ए एलन, एहली मैथ्यू और नेस सिवर को रखा है, बॉलिंग सेक्शन से सारा ग्लेन, सोफी एक्लस्टन और कैथरीन ब्रंट को रखा है। कैप्टन नेस सिवर, वाइस कैप्टन सोफी एक्लस्टन है, लेकिन ये फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम जो भी होगी आफ्टर टॉस आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट में टॉप पर पिन किया हुआ मिल जाएगा। तो थैंक यू भाइयों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।